तो ये हमारा जाने वाला गेट है, तो आप ये देख सकते हो ये दरवाजा हमारा किस तरह खुल रहा है, तो इस तरफ ये खुल रहा है और इस तरफ ये बंद हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा डोर क्लोजर ऊपर की तरफ लगेगा वहाँ पर, ठीक है। तो इसको चेक कर लेंगे कि ये हमारा सही है या ये वाला भाग है अपना, ये भाग है ये दरवाजे के ऊपर चिपकेगा, तो अपना दरवाज़ा इस तरफ खुल रहा है और इस तरफ बंद हो रहा है, इसको हम चेक कर लेंगे। ये देखिए ये खुल रहा है, अब ये अपना दरवाज़ा बंद हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम टाइट कर देंगे। अगर आपका दरवाज़ा, अगर आपके दरवाजे के इंजेस जैसे ये इधर लग रहे हैं, अगर आपके दरवाजे के इंजेस इधर लग रहे हैं, जैसे दरवाज़ा आपका इधर खुल रहा है, तो आपको इसको इस तरीके से घुमा लेना है इस तरीके से, तो आपका ये इस तरफ ये खुलने लग जाएगा और इस तरफ ये बंद होने लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा दरवाज़ा इस तरफ खुल रहा है, तो हम इसको यहाँ पर इसको टाइट कर देंगे, और ये जो नट बोल्ट है हम इसको यहाँ पर ये टाइट कर देते हैं, इसको हम बढ़िया से टाइट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा टाइट हो गया है, आप ये देख सकते हो ये हमारा दरवाज़ा इस तरफ खुलेगा और ये बंद हो रहा है, और इसको आपको फिलहाल टाइट नहीं करना है, इसको अंदर लूज ही रखना है, ठीक है, इसको आपको टाइट नहीं करना है। तो अब आपको ये डोर क्लोजर जो लगाना है यहाँ पर, तो यहाँ से हमें इसको 4 इंच या 5 इंच छोड़ के लगाना है, तो आप यहाँ पर 5 इंच जगह छोड़ सकते हैं, 6 इंच जगह छोड़ सकते हैं। अगर आपके ये डोर क्लोजर इधर थोड़ा लंबा है तो आप थोड़ा इधर इसको ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये 4 इंच पे 4 इंच छोड़ कर इसको आगे लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्किंग कर लिए हैं, और अब जो आपका ये डोर क्लोजर है, तो आपको इसको यहाँ से 2 फुट जगह छोड़नी है, मतलब ये जो आप ये जो गोल गोल या जो जगह दिख रही है आपको, ये गोल गोल जो जगह है और ये दरवाजे की धार, इसको आपको लेवल रख के ही लगाना है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपको लगा लेना है। यहाँ पर ये 2 फुट की जगह छूट रही है, और ये जो अपना राउंड वाला जो भाग है, ये इसके लेवल में आ रहा है, बराबर लेवल में आ रहा है ना, इस तरीके से आपको इसको लगा लेना है। डोर क्लोजर भले कोई भी हो, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, सबका लगाने का तरीका सेम ही है, बस आपको इसी को ही थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये हमारा डोर क्लोजर यहाँ पर लग गया है, फिलहाल मैंने 2 स्क्रू लगाए हैं कच्चे, और इस तरीके से आपको इसको चेक कर लेना है कि बराबर बंद हो रहा है, ठीक है। और अब जो है इसको हम यहाँ पर इसको इसके अंदर, ये जो आपको ठेसी दिख रही है इसके अंदर आपको इसको फंसा लेना है। ये हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम ये गेट को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद में इसको इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे। अब जो हमारा ये अभी इसके दरवाजे के ऊपर हमने फ्रेशर नहीं लगाया है, तो इसको थोड़ा दबा देंगे, दबा के इसको थोड़ा आगे ले लेंगे इतना सा, और इसको भी थोड़ा ऊपर लग रहे ऊपर लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको हमने निकाल लिया है, और इसको आपको ऊपर से जगह 2 फुट जगह छोड़ के लगा देनी है, ठीक है। ये हमारी लग चुकी है, और ये जो अपना स्क्रू आ रहा है, ये इसे जो स्क्रू के होल आ रहे हैं इसकी लाइन पे ये स्क्रू अपना लगा है, तो आप इसको आगे पीछे भी थोड़ा इधर करके लगा सकते हैं, या फिर थोड़ा इधर करके भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको अपने हिसाब से इसको यहाँ पर लगाया, और ये हमारा वो लग के कम्प्लीट हो चुका है, और अब हम इसको इसके अंदर घुसा देंगे, ठीक है। और अब जो है इसको प्रेशर लगाएंगे थोड़ा, इतना सा थोड़ा सा ही प्रेशर लगाना है, ताकि आपका दरवाज़ा थोड़ा दबा रहे, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर ये टाइट कर देते हैं इस बोल्ट को, ठीक है, ये अपना टाइट हो गया है। अब हम इस दरवाजे को खोल के देखेंगे, तो चलिए इसको खोलते हैं। अब हमने इसको यहाँ पर ये लेवल रख के लगाया था, और इसको हमने यहाँ पर ये इतना ऊपर लगाया है, तो इसका मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इतना सारा गैप है, तो ये इतना गैप आपको रखना है, ताकि ये कहीं अड़े नहीं, टच ना हो, इस प्रकार आपको इसको लगा लेना है दोनों, उसको थोड़ा ऊपर लगाना है और इसको इसके लेवल में लगाना है। भले ही आप यहाँ से थोड़ा इसको नीचे भी ले सकते हो 200, क्योंकि अपने यहाँ पर अभी भी इतनी जगह बची हुई है, तो आप इस हिसाब से ही लगाएं, यही एकदम बेस्ट है, ठीक है। ये अपना खुल गया दरवाज़ा, तो अब हम इसको बंद करके देखते हैं। ये परफेक्ट बंद हो रहा है, लेकिन जब हम ये इसको खोल के देखते हैं, तो ये बहुत स्पीड में जा रहा है थोड़ा सा, और यहाँ पे आके ये अटक रहा है, ठीक है। तो
इसका भी इलाज करते हैं। तो अब आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये दो स्क्रू लगी हुई, एक और दो। तो ये जो ऊपर वाला जो स्क्रू है ये चौखट के पास आने के बाद बंद होता है, तो ये इसका सेटिंग यहाँ पर दिया हुआ है। और जो जो अपना दरवाज़ा खुलने के बाद यहाँ पर इसको ये टच होता है तो उसका सेटिंग यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ये पहले थोड़ा बहुत फास्ट जा रहा है तो इसको हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस हल्का सा आपको इसको 1 mm घुमा लेना है। तो 1 mm घुमाओगे तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा टाइट कर देता हूँ ताकि दरवाज़ा अपना थोड़ा स्लो मोशन में अपना बंद हो। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको घुमाया है और ऊपर वाले को मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी एकदम सही है। तो अब खोल के देखते हैं इसको, अपना खुल गया है और इसको बराबर ये टच भी हो गया है और अपना डोर क्लोजर एकदम मस्त तरीके से खुल रहा है। तो बंद करते हैं, अभी भी बहुत फास्ट जा रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा और टाइट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको और टाइट कर लेते हैं। मैंने इसको टाइट कर लिया। ठीक है, ये हमारी हमने सेटिंग यहाँ पर ये कर दी है और इसको फाइनल लास्ट बार खोल के चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको खोलेंगे, खुल गया, इसको छोड़ देंगे। अब ये स्लोली स्लोली जा रहा है थोड़ा। ओके, इस तरीके से आपको ये डोर क्लोजर लगा लेना है। और एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्क्रू है ये आप अपने हिसाब से इन दोनों को चेक कर लें, हो सकता है ये जो स्क्रू की सेटिंग दी हुई है ये यहाँ से ये बंद होने की हो सकती है, और या फिर ये वाला जो स्क्रू है आपके या ये फर्स्ट वाली जो है यहाँ पर ये सेटिंग करने के लिए हो सकता है। तो आप इसको अपने हिसाब से इसको चेक कर लें। और ये हमारा डोर क्लोजर यहाँ पर लग गया है और अभी जो ये स्क्रू बाकी रह रहे हैं ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा ओके हो गया है डोर क्लोजर। और अब जो ये टोपी दिख रही है इसको हमें इसके नीचे घुसा देनी है, तो मैं इसको घुसा देता हूँ ताकि ये अच्छा लगेगा, थोड़ा ख़राब नहीं दिखेगा। ओके, ये हमारी लग गई है। क्लोजर इधर भी लगाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो हमने यहाँ पर भी ये डोर क्लोजर लगाया है। ये दोनों जाले की गेट हमने बनाए हैं, इसके अंदर हमने ये डोर क्लोजर लगाया है। तो ये हमारा डोर क्लोजर लग के कम्प्लीट हो गया है। डोर क्लोजर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको सही से लगाते हो तो आपका ये 5 मिनट के अंदर ही आपका डोर क्लोजर लग जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से नहीं लगाते हो तो आपको पूरा दिन भी लग सकता है, इसका आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सो ये एक प्रोसेस है डोर क्लोजर लगाने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।